तो अपने सब्सक्राइबर मिल गए भाई लखनऊ से, हेलो बोल दो सबको। ओ भाई साहब बहुत गहरा है ये तो देखना। ओए होए होए ओ भाई, ये टाइले वाइले बड़ी पुराने जमाने की लग रही है, जैसे इंडिया के घर होते थे ना पुराने, उस कलर की लगा रखी है हरी हरी। दो बार ऑर्डर किया, दोनों बार ही ऑर्डर जो है वो होल्ड पे चला गया और पैसे काट लिए उन्होंने टोटल 1,00,000 रुपए। पता नहीं भाई मेरी ना नजर ही नहीं हट रही इस कैथेड्रल से, इतना सुंदर दिख रहा है ना ये। जो भाई यूरोनेट के ATM है ना, इनमें से कैश कभी भी मत निकालना, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगाते है ना भाई साहब। पूरे जड़ से ही पेड़ उखड़ गया और गाड़ी के ऊपर हो, इस वाली गाड़ी के भी शीशे वीशे सब टूट गए यार। बैग में से पत्थर निकाल लिया, इतना बड़ा कह रहा पत्थर मारूंगा, यूं यूं करके दिखा रहा भाई मेरी फट गई। जर्मनी में ना भाई एक रूल है कि अगर आपकी गाड़ी में रैप या स्टिकर है ना तो वो अलाउड नहीं है, और हमारी गाड़ी में तो भाई आप देख ही सकते हो सारे स्टिकर ही स्टिकर है। वहाँ देखो सामने भाई पुलिस भी आ गई है। क्या इस रीजन की वजह से पुलिस वाले गाड़ी जब्त कर लेंगे यहाँ पे? आज भाई संडे है और हमारा ऑफ था, आज मतलब कहीं भी घूमना नहीं था क्योंकि इतने दिन से ट्रैवलिंग कर रहे थे तो रेस्ट लेना था, इसलिए अभी तो फिलहाल शाम के 6 बज रहे हैं और दोपहर को उठे भी लेट, फिर पड़े रहे बस होटल में। अभी फिलहाल हमें ना कपड़े धुलवाने हैं यहाँ पर, ये एक लॉन्ड्री देख के आया 5 यूरो में, तो वहाँ पे कपड़े धुल जाएंगे ना अपने, फिर लंदन तक का काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, इंडिया जाके धुलवाएंगे बच्चे उसे। जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना सिटी सेंटर से दूर है 3-4 किलोमीटर एंड रेजिडेंशियल एरिया है, बट स्टिल यहाँ पे ये मॉल है क्या है, हाँ सेंटर ही है कोई तो बड़ा सा। बट पूरा यूरोप ना भाई संडे को प्रॉपर बंद होता है, टूरिस्ट जो स्पॉट्स होती है वो खुले होते हैं, म्यूजियम्स तक बंद होते हैं, तो इसलिए हमने सोच समझ के संडे वाला दिन ही अपना रेस्ट डे रखा ताकि ना हमारा नुकसान हो और वैसे भी बॉडी को भी अच्छे से ना सुकून मिल जाए थोड़ा सा। और संडे वाले दिन ही जितने भी पार्किंग स्पेसेस होते हैं ना ऐसे रोड वाले, ये फ्री होते हैं भाई, मतलब कोई भी हमें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती, ना ही पुलिस वाले कुछ करते हैं, तो इसलिए मस्त फ्री में पार्किंग मिल गई। एंड वो सामने है लॉन्ड्री का, सूटकेस में भर के कपड़े लाए, देख रहे हो कितने गंदे पड़े हैं। लास्ट हमने इस्तांबुल में धुलवाए थे भाई, उसके बाद ऑलमोस्ट हमें यूरोप में कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल 1 तारीख को एंटर किए थे हम और आज 24-25 तारीख है, तो 25-26 दिन हो गए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैंने आपकी गाड़ी जैसे वो ये कई लोग लैंड क्रूजर से कंपेयर करते हैं यहाँ पे, बढ़िया सामने। तो अपने सब्सक्राइबर मिल गए भाई लखनऊ से, हेलो बोल दो सबको। Hello. भाई जो है वो 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि स्कॉर्पियो है ना अभी लॉन्च हुई है तो इंडिया नहीं गए आप लॉन्च होने के बाद कभी भी, हाँ तो फिर पहली बार ही देख रहे हो ना आप, तो मतलब सही है, चलो बढ़िया लगा मिलके। ओके जी, ओके भाई, हाँ डन है। चलो जी चलो कपड़े डाले, 30-40 मिनट लगेंगे क्योंकि यहाँ पे भी अभी ये है भाई साहब काफी बड़ी लॉन्ड्री है, कितनी सारी मशीन है। चलो जी चलो, क्या सीन है, पहले तो देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये शायद टिकट विकेट खरीदनी पड़ती है। हाँ तो ओके ठीक है, इंग्लिश में आ गया। ये है वॉशिंग वाली मशीन, ये है ड्राई वाली मशीन। अभी इसमें से देख लो जो ये वाली है ना व्हाइट कलर की, ये अभी मतलब खाली पड़ी है मशीन, और जो ब्लू वाली है इसमें कोई कर रहा है, और ये 2 नंबर जो रेड हो रखी है ये खराब है अभी, और ये ड्रायर अलग है, तो मतलब 4.5 यूरो हो गए वॉशिंग के और 1.5 यूरो हो गया ड्राई का। तो वही अब मेरे को मशीन नंबर कौन सी लूं, ये देखो नंबर लिखे ना 1, 2, 3, 4 नंबर खाली है, 4 ले लेते हैं। इसी तरह से भाई कर कुरा के जुगाड़ कर ही लिया, मशीन खुल गई है अपनी, अब डालते कपड़े एक एक करके, मेरे ख्याल आएंगे नहीं एक में ही सारे कपड़े, बाकी देखते ट्राई करके। चलो जी कपड़े धुल तो अच्छे से गए हैं, अब 1.5 यूरो में ये ड्रायर ले लिया यानी कि 150 रुपए का, इसमें अच्छे से सूख भी जाएंगे। ड्रायर काफी बड़ा है भाई, मेरी 2 मशीन में कपड़े आए थे और दोनों मशीन के कपड़े इसी में ही सूख जाएंगे मस्त। लो जी लो, यहाँ से टेम्परेचर सेट कर लेते ये वाला और ऑन पे कर देते क्लिक। चलो जी मेरे ख्याल 10 मिनट का टाइम है इसमें, जो धुलने वाले थे वो 45 मिनट। चलो भाई कपड़े वपड़े धुलवा के ले आए हैं। रूम की हालत भाई सब कुछ ऐसी हो रही है, बट अब ये सारे कपड़े जो है ना बैग में अच्छे से डल जाएंगे। और अच्छी बात पता है क्या, यहाँ पे भाई होटल रूम में प्रेस मिल गई है, हालांकि स्टीम वाली मैं लेकर चल रहा हूँ, बट फिर भी भाई इससे जो होती है ना वो नेक्स्ट लेवल। सारे के सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके फिर बैग में सेट करूंगा। और आपको पता ही है भाई इस ट्रिप में मैं वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स कैरी कर रहा हूँ, एंड आज मैं यूज करूंगा ये एलोवेरा जेल जो भाई 99% प्योर एलोवेरा से बना है, जिसको हाइजीनिकली एक्सट्रैक्ट करके पैक किया गया है। इस प्योर एलोवेरा जेल को ना आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहला यूज जो मैं जनरली करता हूँ एज अ नेचुरल स्क्रब यूज करके, सेकंड आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, सिंपल है थोड़े से जेल को अपने हाथ में लो एंड उसके बाद फेस पे अप्लाई कर लो। थर्ड यूज है इसको आप अपने हेयर एंड स्कैल्प नरिशमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको यूज करने वाला हूँ, थोड़ा सा जेल मैं लूंगा और अपने स्कैल्प पे लगा के मसाज कर लूंगा, एंड लगाने के बाद भाई इसको रात भर छोड़ दूंगा अपने सर पर ही, और फिर सुबह मॉर्निंग में माइल्ड शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लूंगा। और चौथा, अगर आप धूप में ज्यादा घूमते हो तो भैया इसको आप सनबर्न में भी यूज कर सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है भाई वाव के किसी भी प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, जैसे कि सिलिकॉन, सल्फेट्स एंड पैराबेन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और हाँ भाई मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, जो की है
है भाई अनमोल जायसवाल 20। ये अगर आप इनकी वेबसाइट buywow.in पे यूज करोगे ना तो आपको पूरा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब भैया और क्या चाहिए, तो फटाफट से जाओ खरीदो एंड बी वाउ नेचुरली। द नेक्स्ट मॉर्निंग, चलो भाई ना धोके हो गया हूँ रेडी बिल्कुल बर्लिन को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज भी मौसम देखोगे भाई बिल्कुल बादल बादल हो रहे हैं, लग रहा है मुझे बारिश आने वाली है। बस कसम से बता रहा हूँ भाई, यूरोप में मैकबुक ऑर्डर करके ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। मतलब दो बार ऑर्डर किया, दोनों बार ही ऑर्डर जो है वो होल्ड पे चला गया और पैसे काट लिए उन्होंने टोटल 1,00,000 रुपए। कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था आपको पूरी स्टोरी, एक बार देख लेना जाके। पर जो उन्होंने दूसरी बार ऑर्डर करवाया ना पेपाल के थ्रू, उसमें भी भाई 30,000 रुपए काट लिए, लेकिन वापस से एक दिन के बाद ऑर्डर होल्ड पे चला गया, कह रहे पेमेंट नहीं हो पा रही है। भाई पेमेंट नहीं हो पा रही तो 30,000 रुपए कैसे काट लिए तुमने फिर? अभी मैं फुल एंड फाइनल एप्पल स्टोर जा रहा हूँ और वहां पे जाके अपना सब कुछ कैंसिल करवा रहा हूँ और रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई यहाँ से, अपना इंडिया जाके ले लूंगा, कोई बात नहीं। थोड़े दिन की ट्रिप है, 40-50 दिन जो भी है, अपना काम चला लूंगा अपने वाले मैकबुक से। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भाई। 24 जून 2023 मैं हूँ अभी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउक्सिन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज एंड चलाएंगे 25,000 किलोमीटर गाड़ी को, फिर पहुंचेंगे जाके लंदन यूके में। बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है एंड भाई वीडियोस भी तगड़ी तगड़ी आ रही है, आपको भी पसंद आ रही है, ऐसी सपोर्ट करते रहना। 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने घर जाने से पहले, और इस वीडियो में भाई 70,000 का लाइक एम है, करवा देना प्लीज। एप्पल स्टोर जाने के लिए मुझे अभी यहाँ की मेट्रो लेनी है, जो आप वो सामने स्टेशन देख रहे हो ना वहीं पे ही है, क्योंकि हम सिटी सेंटर से ना 3-4 किलोमीटर बाहर की तरफ रुके हुए बर्लिन में एंड जो एप्पल स्टोर है वो थोड़ा सा सेंटर के पास में है, तो चले जाएंगे कोई नहीं भाई 15-20 मिनट लगने। ये है भाई वो अंडरग्राउंड वाला मेट्रो स्टेशन, नाम पढ़ लेना, मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन होगी नहीं, बट ये U8 है, इतना ध्यान रखना मुझे। एंड टिकट के लिए ना मैंने इनका 24 आवर्स वाला पास खरीद लिया है, जो पास से आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरे 24 घंटे के लिए ट्रेवल कर सकते हो अनलिमिटेड बार। ये इनकी ऐप है भाई BVG करके, यहाँ पे देख सकते हो 24 आवर्स वाला जो पास है वो है 9.5 यूरो, अराउंड 950 रुपीज का इंडिया के, तो ठीक है। सिंगल टिकट 3.5 यूरो की है, यानी कि 350 रुपीज की। आने जाने में ही मैं 700 रुपीज लगा देता, दो ही बार होता उसमें है ना, अब ये 950 रुपीज में अनलिमिटेड बार, चलो उतरो चढ़ो उतरो। भाई साहब बहुत गहरा है ये तो देखना, ओए होए होए, ओ भाई ये टाइले वाइले बड़ी पुराने जमाने की लग रही है, जैसे इंडिया के घर होते थे ना पुराने, उस कलर की लगा रखी है, हरी हरी। यूरोप के अभी तक मैं जितने भी देश गया हूं ना भाई, सबसे ज्यादा जो होमलेस पीपल है ना वो मेरे को बर्लिन में ही दिखे है, क्योंकि कल मैंने ब्रेक लिया था आपको बताया ही था, तो आसपास देख रहा था भाई साहब इतने गरीब लोग, इतने गरीब गरीब मतलब जो भीख मांगते हैं भाई। ओए होए, वो 24 आवर्स वाली टिकट खरीदने पे ऐसा कुछ मिला है। एप्पल स्टोर की प्रॉब्लम क्या है, कॉल करने पे ना भाई जर्मन में बात कर रहे हैं, वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही जर्मन भाई, इसलिए मेरे को स्टोर ही जाना पड़ेगा। इधर जो मेट्रो जा रही है ये है, और इधर जो आ रही है ये वाली है, मुझे इस वाली पे चढ़ना है। यहाँ भी देखो हर जगह इसी ऐप की प्रमोशन करी हुई है, टिकट आप खरीद सकते हो। ये नहीं पता ये जो स्कैनर है इसमें वैलिडेट करना है कहीं पे या क्या सीन है, वैसे मशीन तो लगी हुई है, इससे भी आप खरीद सकते हो पास वास, मेरे ख्याल तो स्कैन नहीं करना, डायरेक्ट ही चल सकते हैं। अगर आप वैसे वाली टिकट खरीदते तो इसमें डाल के वैलिडेट करनी पड़ती, बट इसमें कुछ नहीं करना। एंड कुछ इस तरह का स्टेशन है भाई, देख लो कितनी पुरानी जमाने वाली वाइब आ रही है, ऐसे हरा रंग कौन लगाता है भाई मेट्रो स्टेशन में, वो भी टाइलों में, देखना कैसी है, हरी डार्क हरी ब्लू। बाकी ये पूरा रूट है, मैं यहाँ पे हूँ और उतरना है मुझे यहाँ पर, तो कितने 4 ही स्टेशन है। अब देखो सिंगल वाली टिकट लेता तो 4 स्टेशन के ही मुझे भाई 350 रुपीज पे करने पड़ जाते फालतू में, तो ये पास सही है, जितनी मर्जी बार चढ़ो उतरो। यहाँ पे देखो स्क्रीन लगी हुई है कि कितने मिनट में आ रही है ट्रेन, एक आ रही है 1 मिनट में और दूसरी आएगी 5 मिनट में। भाई साहब मेट्रो भी इनकी पुराने जमाने की लग रही है काफी ज्यादा, देख रहे हो पता नहीं कौन सी सदी की मेट्रो चला रखी है। अबे रुक भी गई, जल्दी चलो भाई भरी पड़ी है। पहुंच गया हूं, बस वो आगे कोने में जाके जो है एप्पल स्टोर है। आज ही व्हाइट जूते पहने थे भाई और आज ही बारिश आ गई, अब ये होटल पहुंचते पहुंचते ना पूरे सड़ जाएंगे जूते। लो भाई लो मिल गया है, काफी बड़ा स्टोर लग रहा है भाई, सब देख रहे हो। एंड कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू गेट द रिफंड बैक फ्रॉम टू माय कार्ड? 3-5 बिजनेस डेज। ओके, सो टोटल विल बी अराउंड हाउ मच यूरो? $900 और यूरो। लो भाई फाइनली बात करने पे इन्होंने ये वाला ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया एंड ये वाला ऑर्डर भी, और रिफंड का कह रहे हैं 2-3 दिन में आ जाएगा, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, जितना मेरे कार्ड से कटा है उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा, तो चलो ये टेंशन फ्री हो गया। मैं यहाँ का फेमस बर्लिन कैथेड्रल है 700 मीटर की वॉक पे ही, तो वहीं चलते हैं पैदल पैदल, बारिश भी रुक गई है, क्योंकि ये एरिया भाई साहब कितना सही लग रहा है देखना, ओए होए ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है सारे के सारे इसी रोड पर।
पार्क में से होते हुए भाई यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ और ये आप सामने देख सकते हो बर्लिन कैथेड्रल कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी ये ब्रिज क्रॉस करके उसके पास जाएंगे बट यहीं पे ये कैनाल टाइप की है, रिवर है कैनाल है पता नहीं, बट यहाँ पे ये शिप चल रही है, शिप या क्रूज जो भी, क्रूज तो नहीं कहेंगे यार, क्या कहेंगे इसको पता नहीं, आप बता देना कमेंट सेक्शन में अगर पता हो तो। कुछ तो है ये टूर लेकर जाते हैं पानी पानी में से, पानी काफी ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है, गंदा सा बड़ा है ना। जर्मनी की बात करें तो ये यूरोप की 6th लार्जेस्ट कंट्री है एंड पूरे वर्ल्ड में 63 नंबर पे आती है। जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन है भाई, जहाँ पर मैं हूँ अभी इस टाइम पे, और बर्लिन के साइज की बात करें तो भाई ये 9 गुना बड़ा है पेरिस से। जर्मनी के टोटल एरिया की बात करें तो वो है भाई 357,588 किलोमीटर स्क्वायर एंड पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे जर्मनी में भाई अराउंड 8.3 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 36 लाख लोग तो इनके कैपिटल सिटी बर्लिन में ही रहते हैं। और इसके अलावा भाई यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जर्मन है बट इसके अलावा इंग्लिश भी काफी हद तक लोग बोल लेते हैं। और रिलीजन की बात करें तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है। पहले ही मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन काफी चल रही है मॉन्यूमेंट्स में, यहाँ पे भी देखो भाई साहब पूरा ये डंडे वंडे लगा रखे। अब ये नहीं पता कि हमेशा चलती रहती है कंस्ट्रक्शन या फिर हम जब आए हैं भाई उसी टाइम पे ये कोइंसिडेंस हो गया कि चल रही है हर जगह पे। भाई काफी चौड़ा ब्रिज है यार, देख रहे हो वहीं पे साइकिल चल रही है, गाड़ियां अलाउड नहीं है, इन्होंने पिलर लगा रखे हैं सामने, तो मेनली पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं उनके लिए। जहां तक मुझे फीलिंग आ रही है भाई ये बंद हो चुका है, हालांकि टाइमिंग तो इसका 5 बजे तक का है, शाम का तो खुला होना चाहिए बट शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बंद है। बट ये जितने भी भाई मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना बाहर से ही आप देख लोगे इतने खूबसूरत है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं होती है, अंदर का नजारा देखना तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं। बाकी मेजर लोग तो बाहर से ही आते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं और देख के चले जाते हैं। अंदर जाने की शायद टिकट भी है, एक बार पता करता हूँ क्योंकि यहाँ से तो बंद है। ये देखो इस तरह के पब्लिक वॉशरूम बने होते हैं बट ये पेड नहीं है, ये तो फ्री है, ये खाली सुसु करने वाला है, अगर आपको 2 नंबर जाना है तो वो पे करना पड़ता है 0.5 यूरो यानी कि 50 रुपए इंडिया के। हाँ भाई बंद ही पड़ा है, ये देखो इन्होंने पूरे बैरिकेड वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है ना, गूगल पे भी नहीं लिखते, ये देखो ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे। कम से कम ये यहाँ पे अगर अपडेट कर देना तो टूरिस्ट आए ना आए तो बाहर से ही चलो देख के चले जाना, क्या लेना देना। यहाँ से देखो भाई शॉप कितना ह्यूज है यार, ये ऊंचाई इतनी तो ऊपर से ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था कमेंट करके कि ग्रीन कलर के ये ना स्ट्रक्चर बनाए नहीं जाते, मतलब पेंट ग्रीन कलर का नहीं होता, एक्चुअल में टाइम के साथ साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कॉपर होता है शायद से ये, तो इसलिए ग्रीन कलर बन जाता है। अरे यहाँ से खुला हुआ है शायद भाई एंट्री है, ओ मजे आ गए, चलो चलो। भाई साहब कितना ह्यूज है यार, ये ऊंचाई देखोगे ना ओए होए होए गजब लग रहा है। नहीं बंद पड़ा है। और ये जो सर्विसेज लिखा होता है ना इसका मतलब होता है प्रेयर का टाइम, तो अगर आप प्रेयर करने आ रहे हो तो ये टाइम। एक्चुअल में भाई देख के मतलब ना ऐसे अलग सी फैसिनेशन सी हो रही है स्ट्रक्चर को, यहीं तक ही आए हुए हैं लोग बस क्योंकि गेट बंद पड़ा हुआ है यहाँ का भी। हालांकि टिकट आप यहाँ से ले सकते हो, कैश अलाउड नहीं है लेकिन लोग तो ले रहे हैं टिकट, बट कहाँ के ले ले रहे हैं, गेट तो बंद है। हाँ यहाँ से है ये रहा भाई, ओए होए होए कितना बड़ा गेट है भाई, सब लाइन लगी पड़ी है। पता करता हूँ टिकट कितने की है, अगर सस्ती हुई तो चला ही जाऊंगा यार, एक बार अंदर से देखने का मन सा हो रहा है जब बाहर से इतना क्रेजी है। तो मशीन लगी हुई है और एक बंदा भी खड़ा हुआ है, यही दिलवा रहा है टिकट। गूगल पे तो 10 यूरोज लिखा है, बाकी बताने ले ली भाई 10 यूरो की है, वही 1000 रुपए इंडिया के, एंड कैश नहीं है सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट होगी। चलो जी स्कैन हो गया है बार कोड और यहाँ से एंट्रेंस है, वीडियो आप बना सकते हो बट फ्लैश नहीं चलानी है। रास्ता भाई इसी कैनाल के यहाँ से निकला है यहाँ पे देखो, और कैफेज वगैरह बहुत सारे हैं यार। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो मैं हिस्ट्री बताता हूँ ना किसी भी जगह की कि कब बना क्यों बना अभी क्या उसका ऐसे इंपॉर्टेंस है, ये लोगों को ना काफी बोरिंग लग रहा है, मतलब वो मुझे वॉच टाइम में दिखाई दे रहा है अपने एनालिटिक्स के। जहाँ पे भी ऐसी कोई जगह आती है ना वहाँ पे थोड़ा सा रिटेंशन ऑडियंस का गिर जाता है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसलिए कि आप चाहते हो मैं बताऊँ ये सब कुछ या ना बताऊँ। इस वाले ब्लॉग में मैं नहीं बता रहा किसी भी चीज़ की हिस्ट्री वगैरह, मैंने बस अपनी रिसर्च के लिए पढ़ ली है, मुझे उतना काफी है। बट अगर काफी लोग कमेंट करते हैं कि अनमोल भाई हमें जानना
इन चीजों के बारे में, तो फिर मैं अगली कंट्री से जो है वो बताना शुरू कर दूंगा, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कमेंट्स आपके जरूरी है वो। और टिकट्स की बात करें ना भाई, इन जगहों की काफी ज्यादा महंगी है, 1000 रुपए में मतलब आप कैथेड्रल घूम रहे हो अंदर। तो मैं एक ही जगह की लूंगा बस, अब नहीं लेने वाला अंदर जाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी टिकट लेता रहा ना तो भाई साहब मैं लुट जाऊंगा 4-5 हजार रुपए दे के ऐसी हर कंट्री में टिकट्स की। तो एक में घूम लिया अंदर, बहुत है आपको भी घुमा लिया, बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है वो बाहर से घूमेंगे। एंड इधर ही भाई सामने है यहाँ का फेमस टीवी टावर, जिसकी हाइट है 368 मीटर्स की। ये जो आप घूमना सा देख रहे हो ना, यहाँ पर आप ऊपर जा सकते हो भाई, एंड ऊपर जाके भाई पूरे बर्लिन सिटी का ना ऐसे 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली भाई ऊपर जाने की टिकट है तो मैं तो नहीं जा रहा, बस अब ड्रोन शॉट आपको दिखा दिया ना, उसी में मस्ती ले लो सब। एंड यहीं पे ये एक दो बिल्डिंग्स हो रहा है, बड़ी खूबसूरत सी साफ सुथरा एरिया लग रहा है ये वाला पार्ट ना बर्लिन का। वरना जहाँ पे हमारा होटल है ना भाई, वहाँ पे गंदगी काफी मची हुई थी, मैं हैरान रह गया था। यूरोप के देश है भाई वो भी, इतनी बड़ी कंट्री जर्मनी, वहाँ पे कूड़ा वगैरह जरा फेंक रखा। ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, मतलब जमीन पे भी ना आपको सिर्फ पत्ते वत्ते ही दिखेंगे गंदगी के नाम पे, रैपर बोतलें ये सब नहीं दिखेगा यहाँ पे। बर्लिन या जर्मनी की ना भाई बहुत पुरानी है एंड डार्क हिस्ट्री रही है, मैंने जैसे कि बताया पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और हिटलर को भी आप अच्छे से जानते होंगे, था वो अलग ही ऑस्ट्रिया का, बट जर्मनी का ही जो है पूरा करता धरता था उस टाइम पे। एंड इस तरह की भाई ये डबल डेकर बस भी आपको मिल जाएगी, इसकी भी टिकट लेके आप चढ़ सकते हो इसमें। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कहीं पे भी उतरो घूमो फिरो, इतने में अगली बस आ जाएगी, फिर से चढ़ जाओ, तो ये पूरी सिटी आपको एक दिन में अच्छे से घुमा देती है। और अगर आपको ये वाले कैथेड्रल का बेस्ट व्यू लेना ना, तो भाई ये सामने ही पार्क है, यहाँ जाके बैठ जाना, मस्त दिखेगा पूरा एरिया। कैथेड्रल के जस्ट सामने ही यहाँ का फेमस हिस्ट्री म्यूजियम है, जिसका नाम है एल्टस म्यूजियम। आज तो ये क्लोज पड़ा, बट जैसे कि मैंने आपको कहा अंदर जाने की जरूरत उन्हीं को है जिनको थोड़ा सा हिस्ट्री में या म्यूजियम देखने में इंटरेस्ट है, वरना तो आप ऐसी बिल्डिंग्स भाई बाहर से ही देख लो, इतनी सुंदर लगती है। फोटोज लो, आराम से घूमो फिरो। बाहर से दिखने में ना ऐसा लग रहा है जैसे या तो बहुत ज्यादा पुरानी बिल्डिंग हो, या फिर यहाँ पे ना आग लगी हो, क्योंकि पूरा ना काला काला हो रहा है। इसके पिलर्स देखोगे आप, हो सकता है भाई आग लगी हो World War II के टाइम पे, कुछ बॉम्ब गिरा हो। और ये स्टेचूज भी शायद से कॉपर के हुआ करते थे, जो टाइम के साथ ऑक्सीडाइज होके ग्रीन कलर हो गया, एंड कहीं कहीं जगहों पे ब्लैक कलर भी है। इस स्टेचू में आप देखोगे एक बंदा घोड़े पे बैठा हुआ और नीचे भाई शेर का शिकार कर रहा है, तेरी कितना ह्यूज शेर है। ये तो सबको पता ही है भाई, टाइम के साथ साथ जितने भी जानवर है या हम इंसान भी जो है उनकी हाइट एंड कद काठी ना थोड़ी छोटी होती जा रही है। पहले के टाइम पे बड़े बड़े भालू हुआ करते थे, उस टाइम पे हाथी भी भाई बहुत बड़े हुआ करते थे। तो ऐसे ये जो शेर है ना, ये अभी नॉर्मल साइज का नहीं है जो आज हम देखते हैं, उस टाइम का शेर है जो ऑब्वियसली भाई बड़ा ही होगा काफी। इस पार्क से व्यू देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, पूरा कैथेड्रल अच्छे से दिखता भाई साहब, कितना ह्यूज और कितना सुंदर है कसम। अंदर जाने से अच्छा इस पार्क में आके बैठो फ्री फंड में और मस्त नजारे लो। अच्छा क्या आपको पता है भाई, जर्मनी ना पूरे यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस कंट्री की GDP 3.3 ट्रिलियन यूरो से भी ज्यादा की है। ओ भाई साहब बारिश आ गई बड़ी तेज, सब लोग भगना शुरू हो गए, मैं भी वहां चला जाता हूँ छत है ना, वरना जूतों की बैंड बज जाएगी, जल्दी चलो भाई। ऐसी हो रहा है भाई, 5-10 मिनट के लिए बारिश आती है फिर रुक जाती है, देखो स्लो हो गई। अब कोई नहीं, जब तक पूरी नहीं रुक जाती यहाँ पे खड़ा रहूंगा या बैठ जाऊंगा। पहले हिस्ट्री म्यूजियम देख नहीं पाया बट भाई बारिश से बचाने में काम आ रहा है, लोग पहले ही छाता लेके आए हुए थे, इन्हें पता था कि बारिश आने वाली है। आईफोन में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई पानी में, बट ये जो DJI का माइक है ना ये खराब हो सकता है। बाकी क्या खूबसूरत नजारा आ रहा है यार, काले काले बादल नीचे, ये कैथेड्रल, ओए होए होए प्यार हो गया, वेदर से प्यार हो गया भाई, है और क्या समझ रहे हो। अबे म्यूजियम के यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है, बाथटब है ये भाई साहब, इतना ह्यूज बाथटब। ये मोटा कितना है, पत्थर से बना हुआ, नीचे भी देखो भाई शेर वेर लगा रखे पूरे, और ये हैंडल है, हैंडल है नहीं मतलब बना रखा है खाली, बट एक्चुअल में भाई बहुत बड़ा है ये देखो, ओए होए होए। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 4-5 बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली किसी एक ही के लिए होता होगा ये। चलो भाई निकलते हैं अगली जगह के लिए, बारिश भी रुक गई है और एक मस्त सा टाइम लैप्स भी आ गया। पता नहीं भाई मेरी ना नजर ही नहीं हट रही इस कैथेड्रल से, इतना सुंदर दिख रहा है ना ये, बट कोई नहीं अब मूव ऑन करना पड़ेगा। अगली जो जगह है वो है बर्लिन वॉर मेमोरियल, बहुत ही फेमस भाई जगह है ये, यहाँ पे तो मतलब आपको जाना ही जाना चाहिए क्योंकि बर्लिन की जो हिस्ट्री है ना उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे पहुंचता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यहाँ से वैसे तो 2.5 किलोमीटर है बट अभी मैं एक मेट्रो लूंगा जो 1.1 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए पहले पैदल पैदल वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से आगे जाएंगे। चलते चलते ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जर्मनी के बारे में। क्या आपको पता है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन यहीं बर्लिन में ही है, जिसका नाम है होप्ट बेनोफ करके, 5 मंजिल का रेलवे स्टेशन है भाई ये, और इस स्टेशन को बनाने के लिए 10 साल लगे थे। सेकंड फैक्ट भाई, जो क्रिसमस ट्री है ना वो सबसे पहले 19th सेंचुरी में जर्मनी में ही लगाया गया था, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैला। थर्ड फैक्ट भाई, जितनी भी आप यहाँ पे टैक्सी देखोगे ना उनमें ज्यादातर मर्सिडीज बेंज ही चलती है। फोर्थ फैक्ट भाई, जो वर्ल्ड की फर्स्ट प्रिंटेड मैगजीन थी ना वो जर्मनी में ही थी 1663 में। दोपहर को ही ना एप्पल की वेबसाइट से एक मैंने टाइप सी टू USB
जो है वो बाई किया था, जो मुझे अभी पिक करना है इनको ईमेल दिखा के। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था भाई, काफी बड़ा स्टोर है और ये पिकअप का एक अलग से ही काउंटर बना होता है। यहाँ पे ईमेल दिखाओ, फिर ये जो भी प्रोडक्ट होता है वो निकाल के दे देते। तो मैंने पेमेंट ऑनलाइन ही कर दी थी, मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ था क्योंकि जर्मनी का ना, तो उससे पे करा 25 यूरो। ये है भाई वो एडाप्टर, हार्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए ना काम आता है, क्योंकि मेरे पास गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ था मैंने इसलिए खरीद लिया, वरना वो गिफ्ट कार्ड वेस्ट जाता। वरना तो ये क्या जरूरत थी भाई, बर्लिन अपना बर्लिन कह रहा हूँ, वो बेल्किन वाला एडाप्टर है उससे भी काम चल जाता था। बट ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बस रस्ते में ट्रैवलिंग करते वक्त ना दिक्कत नहीं आती। अगला जो फैक्ट है ना, आप में से काफी लोग जानते होंगे, जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसिंग कंट्री है। बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां यहीं पे ही प्रोडक्शन होती है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, इसके अलावा फॉक्सवैगन। मेरी जो BMW 1250 GS से थी ना, वो भी भाई जर्मनी से ही पूरी इम्पोर्ट हुई थी, ऐसे बनी बनाई। हालांकि मेरी जो BMW X7 थी वो इंडिया में ही हुई थी असेंबल। अच्छा, क्या आपको पता है कि जर्मनी के 65% जो हाईवेज है ना, उनमें कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितनी मर्जी तेज चला सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई चलान नहीं करेगा। ये जो भाई यूरोनेट के ATM है ना, इनमें से कैश कभी भी मत निकालना, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगाते हैं ना। मतलब भाई साहब 110 रुपए का यूरो पड़ रहा है मुझे यहाँ से कैश निकालने पर। तो काफी सब्सक्राइबर भी मुझे DM कर रहे हैं कि यहाँ से मत निकलवाना, ये स्कैम करते हैं। बाकी लो जी मेट्रो स्टेशन आ गया है, वही जिसमें सुबह मैं उतरा था, वहीं से ही पकड़नी है और तीन स्टॉप उतरना है बस आगे। और ये जो डिस्पेंसर होते हैं ना, इनको भी मत यूज करना भाई, बहुत महंगा सामान है। ये देखो, ये जरा सी पानी की बोतल 2.5 यूरो की है, दिख रहा है? ये देखो 250 रुपए की बोतल है जरा। और जो रेस्टोरेंट है उनमें भी महंगी मिलती है चीजें, नॉर्मल छोटी मोटी दुकानों पर भी महंगी देते हैं, बट जो सुपर मार्केट होती है ना भाई, वहाँ पे आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। हालांकि इंडिया से तो महंगा ही है, बट स्टिल इनसे सस्ता है भाई का। गलती से भी यही यूज मत करना भाई साहब। नीचे मेट्रो स्टेशन पे एक थोड़ा सा मेंटली पागल बंदा लग रहा था, पीछे पड़ गया मेरे, कह रहा फोन बंद करो रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्ड तो कर ही नहीं रहा था, हाथ में था फोन, हाथ में भी रखो, बैग में रखो। भाई साहब मेट्रो में चढ़ गया मेरे साथ, जब तक मैंने बैग में नहीं रखा, जैसे कैसे बचबुचा के निकला हूं। यहां स्टेशन का नाम है ये भाई, यहां से अब 550 मीटर की और वॉक है। जब वो दो स्टेशन बाद मेट्रो से उतरा ना, तो एक और बंदा खड़ा हुआ था मेट्रो में, वो बता रहा कि ये यहीं पे ही रहता है मेट्रो स्टेशन में, और थोड़ा सा दिमाग से आते जाते लोगों को परेशान करता रहता है फालतू की चीजों पर। खाली बोल रहा था तो भाई कोई नहीं, बैग में से पत्थर निकाल लिया इतना बड़ा, कह रहा पत्थर मारूंगा, यूं यूं करके दिखा रहा। भाई मेरी फट गई, मैंने तो रख लिया बैग में जल्दी जल्दी। और अगर वो ना उतरता ना दो स्टेशन बाद, तो भाई मैं उतर जाता, क्योंकि 5 स्टेशन उसके साथ तो नहीं जाया जाता। यहाँ भी देखो किसी ने लिखा हुआ VR1। ये पूरी चीज ना भाई मेटल की है, देख लो जंग लगा पड़ा इस पे। और इस टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं, धूप देख रहे हो कितनी तेज पड़ रही है। यहाँ पे ना इन्होंने ये मशीन सी लगा रखी है मस्त सी, इसमें ना 4 बटन है कि 1958 में जब वॉल नहीं थी यहाँ पे, उससे पहले कैसा दिखता था बॉर्डर, उसके बाद 1963 में जब वॉल को रीबिल्ड किया गया, देन 1973 में ईस्ट साइड कैसा लगता था, और 1990 में फाइनली जो है वो वॉल को गिरा दिया गया। तो आप बटन दबाओ, पूरी स्टोरी सुनाता है, ये मस्त है, मैंने सुन लिया आपको, मैं अब जरा समझा देता हूँ क्या सीन था। एक्चुअल में पूरी स्टोरी क्या है, वॉर खत्म होने के बाद ना पूरे जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से मेजर पोर्शन ना उस टाइम पे रशिया के पास था, एंड बाकी के जो 3 हिस्से थे वो थे UK, फ्रांस एंड US के पास। ये जो 3 हिस्से थे ना, इनको बोला जाता था उस टाइम पे वेस्टर्न पार्ट, और जो रशिया के अंडर था वो था ईस्टर्न पार्ट। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, ईस्टर्न पार्ट से ना वेस्टर्न पार्ट में जाते थे वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ज्यादा थोड़ी ग्रोथ थी, तो इसलिए ना भाई उस टाइम पे एक बीच में वॉल बना दी गई, ताकि लोग जो है ना वो इधर उधर ना जा सके, एंड उसी दीवार का नाम था बर्लिन वॉल। फिर उसके बाद की कहानी लंबी है भाई, वॉल को तोड़ा गया, ऐसे अलग अलग चीजें हुई अलग अलग सालों में, जो आप गूगल कर सकते हैं। देखो यहाँ भी बनी हुई है, ये थी वो वॉल, एंड इस तरह से 1961 में जो है वो किया गया था पूरा। काफी ना इंटरेस्टिंग है ये चीजें देखना भाई, मतलब उस टाइम पे सोचो आप ऐसे कंट्रीज ही अलग अलग हुआ करती थी, अभी ये पूरा बर्लिन एक ही है जर्मनी के अंदर। एग्जैक्ट बताऊं तो इस जगह पे दीवार थी, उधर का पार्ट अलग हुआ करता था, एंड इधर का पार्ट अलग हुआ करता था। सब है भाई, सोच के ही अलग लगता है ये सब चीजों को। वो जो दीवार थी ना उसका एक हिस्सा ये देखो अभी भी बचा हुआ है भाई यहाँ पर, और एक ये जो सामने आप वॉच टावर देख रहे हो ना ऊपर, ये भी उसी टाइम का ही है, इसमें ये छेद हो रहा है भाई साहब, उधर देख सकते हैं हम दूसरी तरफ, आप भी शायद से देख पाओ। ये देखो कॉन्क्रीट की भाई साहब मजबूत दीवार थी, ये पता नहीं लोहे की क्यों बना रखी है भाई, इसको कवर करने के लिए देखना जंग लगा हुआ है जिसमें, हालांकि असल दीवार तो उधर थी। ये सामने बर्लिन वॉल मेमोरियल बनाया हुआ, जो ऑब्वियसली इस टाइम पे बंद है। ज्यादातर लोग तो भाई ये वाली वॉल ही देखने आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है। बाकी मेमोरियल अंदर से देखना तो आप जा सकते हो, टिकट होगी। यहाँ पे एक और मशीन है जो विक्टिम्स थे ना बर्लिन वॉल के, उनकी यहाँ पे देखो फोटो लगा रखी है काफी सारी, एंड उनके बारे में यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 1961 से 89 के बीच में एटलीस्ट 136 लोग मरे थे। वैसे देखा जाए ना भाई, जर्मनी की एक्चुअल में पूरे बर्लिन की काफी ज्यादा डार्क हिस्ट्री रही है इन मामलों में। काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं भाई यहाँ पे जानने के लिए ना पूरा सीन। वही भाई लाइम करके ऐप है, मैंने आपको दिखाया बहुत बार, यहाँ पे इनकी साइकिल भी है, 60 मिनट का पास खरीद लिया मैंने 10 यूरोज में 1000 रुपए का। तो अब बचा कुछ एरिया जो है वो साइकिल में घूमेंगे। बट ये बियर और कोक की बोतल कौन रख गया यहाँ पे ना, ये बोतल्स रिसाइकल हो जाती है, तो शायद किसी होमलेस बंदे ने रखी होगी, क्योंकि फिर मशीन में डाल के इससे पैसे मिल जाते हैं। चलो भाई अपनी साइकिल जो है वो रेडी है, एक्सप्लोर करते हैं अब साइकिल में बर्लिन सिटी को। बड़ी तेज प्यास लग रही है और यहाँ पे आसपास कोई भी वाटर डिस्पेंसर नहीं है, तो सबसे पहले तो एक वो ही ढूंढा है मैंने गूगल पे, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ चलते हैं पानी की बोतल भरते हैं फ्री फंड में और
प्यास मिटाते हैं। और पूरी सिटी में ना ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हो ना आप, ये भाई साइकिलिंग वालों के लिए ही है, और ये जो साइड वाला है ये पैदल चलने वालों के लिए। तो यहाँ पे हम मस्त अपनी साइकिल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी चलो, यहाँ पे खड़ी कर दी है साइकिल, क्योंकि सामने एक जगह है जहाँ जाना है मुझे। पानी तो मिल नहीं पाया वहाँ पे जहाँ मैं गया, पोपट हो गया फालतू का। पहले तो ये देखो भाई कितना सुंदर चर्च है, ओए होए होए भाई, मतलब क्या ही आर्किटेक्चर होता था उस टाइम। ये देखो बिल्डिंग सेम टू सेम, और वो देखो बिल्कुल डिट्टू है ना। लेकिन मैं अभी आया हूँ भाई इस जगह पे, ये नाम पढ़ लेना, यहाँ का हिस्टोरिकल मार्केट स्क्वायर है। फोटो में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, यही वाली है सामने, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे भी देखो ये सेम टू सेम चर्च है, और उधर भी देखो सेम टू सेम आर्किटेक्चर। सही में भाई मेरी किस्मत लग रही है मुझे, हर जगह जहाँ मैं जाऊँ वो चीज बंद पड़ी होती है। अभी ये देख लो ये स्क्वायर भी बंद पड़ा है कंस्ट्रक्शन की वजह से। गूगल पे तो इतनी सुंदर सुंदर फोटोज आ रही थी, देख रहे हो, मैं तो इसलिए भाई साहब ऐसे पिघल सा गया, मैंने कहा जरूर जाएंगे। और यहाँ पे आके देखा तो ये सब चल रहा है, बताओ। चलो बाकी अब वापस से होटल के पास चलते हैं, 20 मिनट का रास्ता है, 5.5 किलोमीटर मैंने पास खरीदा, उसमें से 36 मिनट यूज हो चुके हैं, 24 मिनट बचे हैं, तो होटल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। बट कसम से भाई बहुत मजा आया साइकिलिंग करने में, ऐसे मस्त गलियों गलियों में से घूमता हुआ पूरा बर्लिन छान मारा। सॉरी पूरा तो नहीं, पूरा तो बहुत बड़ा है, बट जितना हो पाया उतना। ये ना हाइब्रिड वाली साइकिल है, इलेक्ट्रिक प्लस में पैडल मारो तो वही स्कैन करना है। ये QR कोड लगा हुआ है, इसके बाद चालू हो जाएगी। है तो सही चीज बट महंगी है, थोड़ी सी सस्ती होती ना तो मजा आता घूमने में। भाई साहब बाहर इतनी खतरनाक वाली बारिश आई, पूरा भीग गया मैं, दिखाता हूँ मर जाके। यहीं पे सुपरमार्केट मिली तो एक ये मफिन ले लिया चॉकलेट वाला, और एक ये वेज पास्ता ले लिया रेड सॉस, साथ में एक पानी की बोतल भी। भाई टोटल 7 यूरो यानी कि 700 रुपीस में तीनों चीज। मस्त है इसका तो टेस्ट एकदम, अंडी बच्ची खासी है, पेट भर जाएगा मस्त एकदम से। भाई साहब जो कुछ भी आया था अचानक से आया था, फटाफट से मैंने तो यहाँ पे साइकिल छोड़ी और सीधा वो सामने ग्रोसरी स्टोर है वहाँ घुस गया था। 1 किलोमीटर ही बचा है होटल, फटाफट से चलता हूँ लेके ही सही। और अच्छा वो जल्दी जल्दी में मैंने इसको स्टॉप कर दिया, वरना तो भाई साहब मेरे वो मिनट यूज होते रहते। कसम से भाई बारिश ना खतरनाक ही आई थी, विद इन अ सेकंड इतनी तेज बौछार शुरू अचानक से, सारे जूतों में भी पानी घुस गया होगा, मेरे को यही डर लग रहा था सुबह, और वही हो गया भाई सब, ऐसी तैसी पूरी कपड़े भी भीग गए। जाके पहुंचना पड़ेगा, सुखाऊंगा वरना तो बीमार पड़ जाऊंगा। ये देखो खाली बारिश ही नहीं आई, तगड़े वाला तूफान भी आया, पेड़ गिरा दिया भाई पूरा का पूरा, तेरी गाड़ी में घुस गया भाई पेड़। ओ शिट भाई साहब, चक गई पूरी गाड़ी, कुछ ज्यादा ही क्रेजी वाला है ये तो भाई। अच्छा हुआ भाई साहब सेफ जगह पे था मैं, पता चले कोई पेड़ मेरे ऊपर गिरा पड़ा होता। भाई साहब पूरे जड़ से ही पेड़ उखड़ गया, और गाड़ी के ऊपर इस वाली गाड़ी के भी शीशे वीशे सब टूट गए यार। वहाँ देखो सामने भाई पुलिस भी आ गई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी ना क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ये आ गया भाई होटल, पार्क कर दिया, अपनी भी गाड़ी जाके चेक कर लिया जाए, वैसे तो अंदर ही थी, होना तो कुछ नहीं चाहिए। ओहो लग तो ठीक ही रही है, हालांकि ओपन में ही खड़ी थी अपनी गाड़ी भी, पर पेड़ वेड़ है नहीं यहाँ पे, बच गई। तू कर भाई मेरी ना ऐसे दिल धक धक होने लग गया था कि गाड़ी को कुछ ना हुआ। हाँ भाई क्लियर है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ काफी लोग कह रहे थे कि जर्मनी में ना एक रूल है कि अगर आपकी गाड़ी में रैप करवा रखा है या स्टिकर्स लगवा रखे तो भाई पुलिस जो है वो गाड़ी जब्त कर लेती है। और हमारी गाड़ी में भाई प्रॉपर रैप भी हो रखा है और इतने सारे स्टिकर भी है पूरे के पूरे। तीसरा दिन है हमारा जर्मनी में, कल भी हमने गाड़ी चलाई थी, परसों भी चलाई थी, और अभी तक तो किसी पुलिस वाले ने रोका भी नहीं। देखा बहुत पुलिस वालों ने लेकिन हाथ तक नहीं दिया, तो जब्त करने की तो बात दूर की है। तो भले ही ये रूल होगा यहाँ पर, बट हो सकता है लोकल गाड़ियों के लिए हो, अब क्योंकि हमारी नंबर प्लेट इंडिया की है, और ऑब्वियस बात है भाई हम कुछ गलत चीज तो लगा के जा नहीं रहे, ट्रिप से रिलेटेड है पूरा का पूरा। बाकी आज लास्ट दिन ही है हमारा बर्लिन में, कल हम निकलेंगे नेदरलैंड के लिए, तो वहाँ पे जो होटल लेंगे ना भाई कवर्ड पार्किंग में लेंगे, सीट पे तो गलती से खड़ी नहीं करनी मैंने गाड़ी। बारिश देख रहे हो कितनी तगड़ी आई है, पानी पानी हो गया सारी जगह। वैसे भी ट्रिप भाई अब 30-40 दिन की रह गई है, एंड मोमेंट पे मैं नहीं चाहता कुछ भी लफड़ा हो गाड़ी को लेकर, क्योंकि भले ही हम जर्मनी तक पहुंच चुके हैं भाई, बट एक्चुअल में सपना पूरा होगा जब लंदन की सड़कों पे अपनी गाड़ी चलेगी। तो इसलिए रिस्क ना 1% का भी नहीं लेना मुझे, अपना पूरा करके रहना किसी भी हालत में। एंड ये है भाई हमारा होटल, अभिषेक पता नहीं शायद आया है नहीं आया, बट जाके भाई सुखाऊं पहले तो। कि लिफ्ट देखो भाई साहब, इसको तो लिफ्ट भी नहीं कमरा ही बोल दो, पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर पे है रूम। बाल कैसे बन गए मेरे चंपू से देखना जैसे ऑयल ऑयल थप रखा हो, बट ऑयल नहीं है भाई पानी है। सोच रहा हूँ हेयर कट करवा लूं बिल्कुल छोटे बाल, ताकि संभाल लेंगे ना, टेंशन ही ना पड़े बाल को, 30-40 दिन ना सुकून से रहूंगा बिना बाल के। नहीं बाल तो रहेंगे बट इतने इतने करवा लूंगा। और रूम नंबर देखो भाई हमारे को क्या मिला, 2011 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। अभी तो नहीं आया अभिषेक। बाकी रूम टूर मैंने आपको दे ही दिया था, ये दो बेड लगे हुए सिंगल सिंगल, बाकी ये छोटा सा वॉशरूम है। मुझे तो फील हो रहा है अभी से जैसे जुखाम हो जाएगा, एसी नहीं चलाऊंगा रात को वरना बैंड बजेगी सुबह उठ के पक्का। बाकी चलो यार आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और वाओ के प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।